लापता लेडीज इज ऑल सेट टू हिट थिएटर्स ऑन मार्च 3. विद दिस फिल्म किरण राव डॉन्स द डायरेक्टर्स हैट फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 14 इयर्स. द मूवी स्टार्स निताशी गोयल, सविता मालविया, स्पर्श श्रीवास्तव एंड रवि किशन इन पिविटल रोल्स. Interestingly, Aamir Khan had also auditioned for the role that has been played by Ravi Kishan in the film. Set in a rural village, struggling to keep up with the progress, the film tells the story of two brides who were exchanged during a train journey due to their long ghoongats. The movie addresses the issues of patriarchy and dowry with a touch of humor, making the audience walk along with the characters on their journey. Recently, Kiran Rao and the makers hosted a grand premiere of the film, attended by the who's and who of the industry. Post-screening, celebrities congratulated Kiran Rao for her storytelling skills. दरअसल ये स्क्रिप्ट आमिर को पढ़ने को मिली थी जब वो एक जज थे स्क्रीन राइटिंग के कंपटीशन में जो सिनेस्तान ने 2018 में ऑर्गेनाइज़ किया था, और पढ़ते ही उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी और आगे जाके उस कंपटीशन में इस कहानी को प्राइज़ भी मिला था. पर वो घर आके उन्होंने एक वन लाइन में मुझे कहानी जब बताई तो मुझे लगा कि मुझे बनानी है, और मैंने कहा कि कैन वी ये हम लोग कहानी लेके, मुझे थोड़ा री राइट करना है लेकिन ये कहानी मैं बनाना चाहूँगी. तो एक्चुअली आमिर को मिली थी ये पहले इस कंपटीशन के ज़रिए, और उसके बाद जब मुझे मिली मुझे लगा इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इसमें बहुत सारे हम लोग चीज़ डिवेलप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें. और इसको जो ड्रामा था, जो पहले इसका जॉनर थोड़ा रियलिस्टिक था, और मुझे चाहिए था कि उसमें हम कॉमेडी के यू नो व्यंग के हाँ व्यंग से बोलें, मनोरंजन से बोलें, ताकि जो भी कहना है वो मज़े से कहें, और एक वो जर्नी मज़ेदार रहे जिन दोनों लड़कियों का. तो बिप्लब जी जिन्होंने कहानी लिखी थी उन्होंने हमें कहानी दी डेवलप करने के लिए, और फिर हम स्नेहा देसाई एक राइटर हैं जो थिएटर और टेलीविज़न में काफ़ी उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये स्क्रीन प्ले और डायलॉग सारे उन्होंने लिखी हैं. एक्चुअली एक तरह से आमिर ने काफ़ी हेल्प किया क्योंकि उन्होंने सपोर्ट इस ख्याल को किया कि हम फ्रेश एक्टर्स के साथ ये बनाएं, ताकि लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे कि क्या होने वाला है, उनको भी सरप्राइजेस लगें, उनको भी एक तरह से कुछ चीज़ें डिस्कवरी के तौर से मिलें, ताकि एक अलग जर्नी बन जाए. नहीं तो जब आपको स्टार्स दिखाई देते तो आपको पता चल जाता है हाँ ये हीरो है, ये विलन है, ये यू नो ये कहानी में ये अच्छा ही होगा इसके साथ, या फिर ये कुछ बुराई करने वाला है. लेकिन हमें उसको एक तरह से सस्पेंसफुल रखना था अंत तक, और इस डिसीजन में आमिर ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया. उनको भी लगा कि हाँ फ्रेश फेसेस से ये कहानी बहुत रियल लगेगी, बहुत लोगों को दिल को छुएगी कि ये लोग एक्चुअली हैं, निर्मल प्रदेश एक जगह है और ये लोग एक्चुअली हैं. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.